एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है 1 और 31 1 और 31 के बीच में n अर्थमैटिक मीन्स डालना है, इसका 7th और n माइनस 1th, इसका जो रेशियो दिया हुआ है 5:9 दिया गया है, 5:9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये है फर्स्ट टर्म, अब बोला है n इंसर्ट करना है, n इंसर्ट करना है इसका मतलब है जब कोई नंबर दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ 2 और लिखा हुआ 10, इसके बीच में हमको डालना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, जब काउंटिंग करेंगे तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 5 था तो प्लस 2 हो गया, यानी कि ये 7वां टर्म है, तो इसका मतलब जब n डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, n प्लस 2। तो स्टार्टिंग से अगर हम लोग काउंट करें तो ये क्या होने वाला है, n प्लस 2 काउंट होगा, तो इसका मतलब हम लोग के पास ए एन प्लस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 31, ए एन प्लस 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। अब इसको काउंट करेंगे, a प्लस इसको माइनस कर लेते हैं, n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, a का वैल्यू दिया हुआ है 1, इसका मतलब है 1 प्लस n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, इसको लिखेंगे n प्लस 1 d इक्वल टू 30, और d का वैल्यू आने वाला है 30 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब दोबारा आते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोला हुआ है 7th और n माइनस 1th, तो 7th जो लिखा गया है वो जो टर्म्स इंसर्ट हुआ है उसका 7th पोजीशन बोला है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो वो दरअसल होने वाला है 8th, जब n माइनस 1 बोला है जिसका मतलब है n माइनस 1 यहां से काउंट हो रहा है, अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 1+1 कर देना होगा, यानी कि nth टर्म बोला है, ये दिया हुआ है 5/9 a8, अब a8 का वैल्यू क्या होता है, a plus 7d और ये है an, an मतलब a plus n minus 1 into d is equal to 5/9, a का वैल्यू 1 है, 7 as it is रहेगा, d का वैल्यू ये लिख लेते हैं, यहाँ a का वैल्यू है 1 और ये दिया हुआ है n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 30 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9, यहाँ कुछ नहीं 1 है, इसको उठा के इधर ले आते हैं, n प्लस 1 प्लस 7 210 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये है n प्लस 1, ये है 30 n माइनस 30 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9, ये n+1 कैंसिल हो गया, तो जो रेस्ट बच रहा है वो है n+2211 डिवाइडेड बाय n31n-29 इज इक्वल टू 5/9, 9 को इधर ले आते हैं, 9n-9 × 9 = 18, इसको मल्टीप्लाई करती है 31 से मल्टीप्लाई करते, 5 × 5 = 15 माइनस 5 × 9 = 45, 4 बचा, 5 × 2 = 10 और 4 = 14, 145, तो n को उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 1899 पहले से प्लस हो जाएगा 145, ये है 155n-9n, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ बचेगा 146n और इसको ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 9 और 5 = 14, 1 हाथ में 9 और 4 = 13 और 1 = 14, 1 हाथ में 8 × 9 = 10, ये तो इसको हो गया 2044 डिवाइडेड बाय 146, तो ये बार कटने वाला है 4 × 6 = 24, 14 बार में कट जाएगा आंसर।